स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है बाइंग की, वो बनी हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इस समय। ये हमने इसका वीकली चार्ट जो है वो लगाया हुआ है। आप साफ देख सकते हैं दोस्तों, एक बुलिश ग्रीन कैंडल इस वीक की बनती हुई हमें दिख रही है। और आज का दिन है दोस्तों, ये देखिए 19 फेब, और क्योंकि आज वीकली का लास्ट डे है तो ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल ही बनकर बंद होगी। यदि हम दोस्तों इसके लो की बात करें तो ये देखिए, इसका वीकली लो देखें तो ये देखिए दोस्तों, सपोर्ट स्ट्रांगली सपोर्ट बना हुआ है 1842 रुपये का, जहां तक इसने लो जो है वो लगाया था। अब देखें तो हर वीक की कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल लगातार बनती जा रही है। और दोस्तों, हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बनी हुई है। मे बी ये मंडे को दोस्तों गैप अप ओपन होने की बिल्कुल अच्छी खासी संभावनाएं हैं, और बहुत अच्छा खासा इसमें मुनाफा जो है लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर बनने को मिलेगा। दोस्तों इसका ये देखिए, मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। यदि हम इसका डेली चार्ट देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, लगातार बुलिश कैंडल्स इसमें बनती हुई दिख रही हैं। एक स्ट्रांगली सपोर्ट जो है वो डेली चार्ट पर बना हुआ है 1841 रुपये 42 पैसे का। और अब आप साफ देख सकते हैं, आज इसका ट्रेडेड प्राइस है 2073 रुपये, अभी तक ये ट्रेड कर रहा है 3 बजे तक। और यदि हम दोस्तों इसका फंडामेंटल्स भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसकी रेवेन्यू है सितंबर और दिसंबर की, यदि हम रेवेन्यू इसकी कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, तो अच्छा खासा रेवेन्यू में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यदि हम इनके इनकम स्टेटमेंट देखें तो देखिए दोस्तों, सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है किसी शेयर के लिए। टोटल इनकम देखिए तो टोटल इनकम में भी साफ इजाफा लगातार इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, थोड़े बहुत इनके एक्सपेंडिचर जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा खासा शेयर जो है वो ये हो जाता है। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो बहुत अच्छी खासी नेट प्रॉफिट भी इनके देखने को मिल रहे हैं। 14,819 करोड़ रुपीज़ के नेट प्रॉफिट हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 10,497 करोड़ रुपीज़, तो बहुत अच्छे खासे नेट प्रॉफिट इनके देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यदि बात करें हम इनके, ये देखिए मैं बात करता हूँ इनकी होल्डिंग की, तो अच्छी खासी जो प्रमोटर्स ने होल्डिंग है दोस्तों दबाकर उठाई हुई है, और होल्डिंग वो लगातार बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सितंबर का क्वार्टर का हम ये देखिए होल्डिंग दिखाते हैं आपको, 50.49, जो इस बार बढ़कर हो गई है 50.54। तो साफ संकेत है दोस्तों कि प्रमोटर्स जो हैं वो इसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक बहुत अच्छा खासा बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस समय बनी हुई है रिलायंस शेयर में। तो सजेशन में आपको हम यही बताना चाहेंगे दोस्तों, आप इसको इस समय आप ज़रूर ऐड करें, लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा खासा मुनाफा आपको ये शेयर बना कर देगा। और यदि आप बात करें टारगेट की दोस्तों, तो पहला टारगेट जो होने वाला है हमारे तरफ से, इसका पहला टारगेट होने वाला है दोस्तों 2250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, पहला टारगेट होगा 2250 रुपये, जो कि आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के जो भी अच्छे अच्छे शेयर्स होंगे हम लाते रहेंगे आपके लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।